आज हम लोग मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे। अब आपके सामने ये प्रश्न आ रहा होगा कि मौर्योत्तर काल क्या है, मतलब मौर्यों के बाद का जो काल है, मौर्यों के बाद का जो काल है वो मौर्योत्तर काल है, जिसे पोस्ट मौर्यन एज के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये जो काल लिखा है ना, मौर्य और उत्तर, मौर्य के बाद का जो काल, काल मतलब समय है, वह मौर्योत्तर काल है। तो किस समय से किस समय को माना जाता है मौर्योत्तर काल? आप कहोगे कि सर 184 BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, से कब तक का समय? तो आप कहोगे कि 275, ठीक है, 275 AD ईस्वी तक का जो समय है उसे क्या माना जाता है? तो आप कहोगे एक मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ अगर आप जोड़ें तो यह समय कितना आ जाएगा, 184 BC से और 275, तो आप कहोगे कि सर ये लगभग 500 साल आएगा, 500 साल या वर्ष लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो 500 वर्ष है इस पर कितने लोगों ने शासन किया है? आप कहेंगे सुंगों ने शासन किया है, सुंग वंश ने शासन किया है या राजवंश ने शासन किया है, लिख लीजिएगा, सुंग राजवंश, सातवाहन राजवंश ने शासन किया है, क्लियर। फिर किसने किया है? आप कहेंगे कि हिंद यवन ने शासन किया है, इंडो ग्रीक ने शासन किया है, और किसने शासन किया है? आप कहेंगे शकों ने शासन किया है। सर और किसने शासन किया है? आप कहेंगे कुषाणों ने शासन किया है, ठीक है। तो इस 500 वर्ष में आपने कितने लोग शासन कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो 500 वर्षों में 5 राजवंशों ने शासन किया है, क्लियर हो गई ना बात। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इस दौर की विशेषता क्या है, इस दौर की विशेषता क्या है, किस दौर की, ये 500 वर्ष के ये जो शासन कर रहे हैं इनकी दौर की, ठीक है, विशेषता क्या है? तो आप कह दोगे कि सर देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ, इसका सेनापति कौन है, CNC कमांडर इन चीफ या सेनापति कौन है? आप कहोगे कि सर पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है। तो ये पुष्यमित्र शुंग करते क्या है? आप कहेंगे कि अपने ही सम्राट बृहद्रथ की उस समय हत्या कर देते हैं जब वो परेड का निरीक्षण कर रहे थे, सैन्य परेड का निरीक्षण कर रहे थे, तो उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उनकी हत्या कर दिया था। और जिस वंश की स्थापना किया था उस वंश का नाम था शुंग वंश। और एक बात याद रखिएगा, मौर्य वंश का पतन तो हुआ ही, बृहद्रथ की हत्या के साथ मौर्य वंश का पतन तो हुआ ही। आप कहेंगे हमारे देश कि वह एकता और अखंडता जिसे मौर्यों ने, नंदों और मौर्यों ने बनाया था, देश की जो एकता और अखंडता थी जिससे हमारे पुराने जो शासक हैं नंद और मौर्य, जिन्होंने इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया था, वह एकता और अखंडता भी इसी के साथ टूट गई और देश हमारा बिखर गया, क्लियर। तो आपने ये चीजें एक पृष्ठभूमि के रूप में देखी, लेकिन अब आपको हेडिंग क्या डालनी होगी? शुंग वंश डालना होगा। तो आप बच्चों शुंग वंश हेडिंग डालिए और हम इसे हटा देते हैं, क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं शुंग वंश की हेडिंग में देखते हैं क्या क्या है। तो आप कहोगे सर एक, देखो जो शुंग वंश है बच्चों, इसमें यार अच्छी चीजें बहुत कम होती हैं। देखो आप हेडिंग डालो, आप पहले शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश, राजवंश, ठीक है। तो इसमें पहली बात आप क्या करोगे? देखो यह वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल है, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म का
पुनर्जागरण है ये। जागरण का समय है, ठीक है। हिंदू धर्म पुनः स्थापित हो रहा है, सीधी सीधी सी बात करो, और उसका परिणाम क्या होगा कि जब हिंदू धर्म का पुनर्जागरण होगा, एक बार पुनः वैदिक धर्म जब स्थापित होगा, तो जानते हो क्या होगा, अंधविश्वास भी बढ़ जाएगा। अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंडों का दौर जमाना शुरू होगा, पाखंडों का दौर शुरू होगा। और एक बार पुनः जातिवाद, जातिवाद, छूत अछूत, छूत अछूत, ऊंच नीच का ये अजगर, विषैला विषधर, ये पुनः फुफकारेगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा, और इसी के साथ भारत में जो समतामूलक समाज की स्थापना मौर्यों ने किया था, बुद्ध ने जिसके लिए श्रम किया था, महावीर स्वामी ने जिसके लिए संघर्ष किया था, वह समतामूलक समाज अब समाप्त हो गया। और एक बार पुनः जब समतामूलक समाज समाप्त होगा, तो इसी के साथ एक चीज और आ जाएगी, और वो है बड़वाद अपने चरमोत्कर्ष पर आ जाएगा। आपने जब इतनी चीजें जान ली, तो बच्चों एक चीज और जान लेना, यहीं पर जियो और जीने दो, जियो और जीने दो कि जिस अवधारणा को पहली बार राजनीतिक दृष्टिकोण से इस जमी पर उतारने का पहला प्रयास अशोक ने किया था। जियो और जीने दो का यह दृष्टिकोण किसका है, ये वाक्य किसका है? तो आप कहोगे सर ये तो महावीर स्वामी का है, लेकिन महावीर स्वामी के इस मैसेज को इस जमी पर व्यवहार में लाने वाला कौन है? तो आप कहेंगे सर सर्वप्रथम अशोक है। लेकिन बच्चों आज ये जियो और जीने दो कि जो अवधारणा है, ठीक है, वह समाप्त हो गई है। और सुंगों ने क्या कह दिया कि जीवों का भोजन जीव है, जीवों का भोजन जीव है। और यह कह करके इन्होंने क्या किया, पशु हिंसा को एक बार और बढ़ा दिया, ठीक है, पशु हिंसा को प्रशय दे दिया। और उस पुरातन अवधारणा को जो समाप्त हो चुकी थी बुद्ध और महावीर स्वामी के पुरुषार्थ के कारण, वह पुरातन अवधारणा अर्थात अश्वमेध यज्ञ, ये जो अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो चुका था, आज वह अश्वमेध यज्ञ पुनः प्रारंभ हो गया। और अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र सिंह को दो अश्वमेध करने वाला बताया गया है, क्लियर। और बच्चों एक बात और आ जाएगी, यहां तक तो समझ गए, समझ गए ना। अब एक बात आपको और हम बता देते हैं बच्चों, जो ऐसा दौर आता है, देखो ये गजब का विडंबना है कि स्त्री का शोषण इसी समाज में होता है, और स्त्री ही इस धर्म के नियमों की सबसे बड़ी वाहक भी होती है, ठीक है। तो जरा आप देखिए स्त्री स्थिति क्या हुई सुंगराज वंश में, स्त्री स्थिति की क्या बात आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्त्री अब पुनः पराधीन हो गई, पराधीन हो गई, क्लियर। और इस स्त्री के जीवन के तीन भगवान बन गए, इस स्त्री के भगवान तीन बन गए, एक पिता, पिता पति और पुत्र उसके जीवन के खेवनहार बन गए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्त्री पराधीन हो गई, वो पिता से डिटैच नहीं हो सकती, जब पिता से डिटैच होगी पति के अधीनता में आ जाएगी, और जब पति से डिटैच होगी तो उसके ऊपर पुत्र का अधीनता आ जाएगी, और इस प्रकार से स्त्री पराधीन बन गई, ठीक। और जो विधवा स्त्री है बच्चों, जो विधवा स्त्री है यह अपशकुन बन गई, और अपशकुन बन करके इसे घर के पिछवाड़े जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। और यही वो मजबूरी है स्त्री की, जो त्रासदीपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं स्त्री को, उसी का परिणाम आएगा कि भारत में सतीव्रत, ठीक है, यह शुरू हो जाएगा कि
क्योंकि रोज तिल तिल करके और तड़प तड़प करके मरने से बेहतर था कि वह सती देवी होकर के आग की लपटों में विलीन होने लगी, उसे बेहतर मान बैठी। ठीक है, अब बच्चों ऐसी स्थिति में समाज में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो समाज होगा बच्चों, उसमें व्यक्ति हताश हो जाएगा। क्या आएगा? तो आप कहोगे कि जो ऐसा समाज आएगा, जो समाज बनेगा, वह समाज हताशा का दौर होगा। और जब हताशा का दौर आता है तो व्यक्ति संन्यास की तरफ जाता है, सबसे दूर भागना चाहता है। संन्यास का मतलब ही है समाज से कट जाना। ठीक है, जब कोई आस न हो, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है? संन्यास की तरफ जाता है। ठीक है, और जब ये संन्यास की तरफ जाने लगा, कौन? व्यक्ति। तो इसी संन्यास को रोकने के लिए इसी दौर में आश्रम व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया गया। आश्रम व्यवस्था पर बल दिया गया, बहुत महत्व दिया गया इस पर कि आश्रम व्यवस्था को कठोरता के साथ लागू कर दिया जाए। लेकिन क्या लागू होगा? ठीक है, व्यक्ति की जब आशा ही टूट गई, निराशा में वो जीने लगा, तो जाहिर सी बात है आप कितना रोक लोगे। और उसका परिणाम आया कि समाज राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गया। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जब ये कमजोर होगा तो उसी का परिणाम आएगा कि विदेशी आक्रमण होंगे, और इन विदेशियों के सामने हमारे पूर्वज भूसे के तिनके की भांति उड़ते हुए चले गए। और इन विदेशियों में कभी शक आ गए, कभी हिंद यमन आ गए, ठीक है, एक आग ठोर निकल लीजिए, बस छोड़ दीजिए, कुषाण आ गए। और इन्होंने क्या किया इस देश पर, ठीक है, अपने शासन को स्थापित कर दिया। ठीक है, तो आपने इतनी चीज़ें कर ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप कुछ चीज़ें लिख दीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी वह क्या आएगा? फर्स्ट इम्पोर्टेंट, तो आप बोलेंगे, ठीक है, शुंग वंश, ये देखिए लिखा हुआ है, शुंग राजवंश प्रथम राजवंश है जिसे ब्राह्मणों ने संचालित किया था। जिसे ब्राह्मणों ने संचालित किया था मतलब ब्राह्मणों द्वारा संचालित होने वाला इस देश का पहला राजवंश कौन है? शुंग वंश है। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखिएगा, प्रथम ब्राह्मण जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वह पुष्यमित्र शुंग है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला ब्राह्मण कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, अब इस शुंग वंश की दो राजधानियां थी, राजधानियां आप हेडिंग डाल करके लिख लेना। हम केवल वही बात कर रहे हैं जिससे आपके एग्जामिनेशन से मतलब है। इसके दो राजधानियां हैं, प्रारंभिक राजधानी इसकी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी इसकी है बेस नगर या विदिशा। बेस नगर या विदिशा इसकी दूसरी राजधानी है। फिर बच्चों आगे जाके लिख लीजिएगा, इस वंश की जो भाषा है, इस वंश की भाषा है संस्कृत, संस्कृत भाषा है। और ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और राजपुरोहित, पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित ये कौन है? आप कहोगे पतंजलि है, पतंजलि ब्राह्मण, पतंजलि है। ठीक है, और इसी पतंजलि की दो किताबें हैं, एक है योग शास्त्र और दूसरा है महाभाष्य, महाभाष्य। ठीक है, तो आपको इस पर हाईलाइट कर लेना है, ये जो महाभाष्य है यह पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी है, कमेंट है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य कमेंट है या टिप्पणी है। ठीक है, ये तो आपने जाना। फिर यही आप एक चीज याद रखिएगा, मानवता का दुश्मन, मानवता की एकता और मानवता की समता, ठीक है,
का सबसे बड़ा विरोधी अगर हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में तो वह है मनु, और यही मनु है जिसकी किताब है मनुस्मृति, और यही मनुस्मृति है जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना करके वर्णवादी और जातिवादी व्यवस्था को स्थापित किया गया और स्त्री को ठीक है पराधीन करके हर अत्याचारों को सहने के लिए विवश कर दिया गया, और यही वो किताब है मनुस्मृति जिसमें कहा गया कि ऐ नारी तेरा पति चाहे जैसा भी हो है वो तेरा ईश्वर। तो ऐसी स्थिति में स्त्री को क्या किया, इसने बुरी तरह से उसके आर्य को तोड़ करके रख दिया। यही सुंगराज वंश है बच्चों, जहां पर दो संप्रदायों का उदय होता है। कौन कौन दो संप्रदाय? एक शैव संप्रदाय और दूसरा वैष्णव संप्रदाय का उदय होता है। फिर आप याद रखिएगा, यही वो दौर है जहां पर भगवत गीता की रचना की गई, और भगवत गीता की रचना करके कृष्ण से संदेश दिलाया गया। ठीक है, वही संदेश है जो बुद्ध ने दिया है। मतलब यहाँ गीता में संदेश दिलाया गया, कर्म निवाति कारस्तमा फल इस कदाचना, ऐ मनुष्य तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। यह भी इसी राजवंश में यह किताब का प्रणयन हुआ है। और एक और किताब लिखी जा रही है, और वह है रामायण, और रामायण का लेखक है वाल्मीकि। और यह जो वाल्मीकि हैं यह क्या कर रहे हैं, तो आप कह दीजिएगा कि सर यही वाल्मीकि हैं जिनकी किताब है रामायण, और रामायण को ही क्या कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है, या आदि महाकाव्य कहा जाता है, या भारत का प्रथम महाकाव्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, अब हम लोग एक और पॉइंट को करते हैं, और वो क्या है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर एक और प्रश्न आता है कि कुछ किताबें आपको जाननी होंगी कि वह कौन कौन सी किताबें हैं जो शुंग वंश के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे कर लीजिए, स्रोत लिख लीजिए, शुंग वंश को बताने का स्रोत क्या है या जानने का स्रोत क्या है। तो आप कह दोगे सर दो है, एक है साहित्य और दूसरा है पुरातत्व। तो अब हम सबसे पहले साहित्य को पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग डालो साहित्य। तो साहित्य में आप पहला पॉइंट देखना क्या है, साहित्य। तो साहित्य में बच्चों पहली चीज हमको याद रखना है, जो पहला ही साहित्य है वो है पुराण। ठीक है, और पुराणों में कौन पुराण है आप याद रखना है, आपको दो पुराण याद रखना है, एक मत्स्य पुराण, और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण, और दूसरा कौन पुराण है, वायु पुराण है। ठीक है ना, तो ये मत्स्य पुराण और वायु पुराण ये दोनों क्या बताते हैं, शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह पहली बार आपको कहाँ से मिलता है या किन पुराणों से आपको जानकारी मिलती है, ये दो पुराण है। दूसरी चीज है हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र किसकी किताब है, आप कहोगे कि सर ये बाण भट्ट की किताब है। ठीक है, और हर्ष की जीवन कथा पर लिखी जाने वाली, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर लिखी जाने वाली किताब है हर्षचरित्र, और ब्राह्मण बाण भट्ट की यह किताब है जिसमें ब्राह्मण बाण भट्ट ठीक है पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण मानने से ही मना कर देता है। पुष्यमित्र शुंग को वह ब्राह्मण नहीं मानता, वह कहता है कि अनार्य था या मलच्छ था, ठीक है, जिसने यह बुरे कार्य किया था। क्लियर, और एक और हमको याद रखना है एक किताब और वह है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, और मालविकाग्निमित्रम किसकी किताब है, तो आप कहेंगे यह किताब सर काली दास की किताब है। और इसमें क्या दिया गया है, क्या जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे यह मालविका और पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों पर लिखी गई किताब है। और इसमें क्या कहा गया है, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों पर लिखी गई इस किताब में क्या बात कही गई,
तो आप कहोगे कि सर एक बात कही गई है कि यमन आक्रमण हुआ है और इस यमन आक्रमण में अग्निमित्र के बेटे वसुमित्र ने यमन आक्रमणकारी डेमेट्रियस को पराजित किया है। डेमेट्रियस तो नहीं लिखा है, बस यमन आक्रमणकारी ठीक है का सामना किया है और उसे पराजित किया है। जब आपने ये चीज़ जान लिया तो एक चीज़ आप और याद रखिएगा और वो है गार्गी संहिता। ठीक है, साहित्य में दूसरा जो लिटरेचर है वो है गार्गी संहिता। आइए हम देखते हैं गार्गी संहिता क्या है। तो गार्गी संहिता को बच्चों यमन जातक भी कहा जाता है, यमन जातक। और इसका लेखक ऐसा मत कर दीजिएगा कि लिख दीजिएगा किताब में लिखा होगा गार्गी इसकी लेखिका हैं, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गार्गी संहिता या यमन जातक लेखक अज्ञात कर दीजिएगा। और यह किताब किस विषय पर लिखी गई है, आप कहेंगे ज्योतिष पर लिखी गई है। और इसी किताब में युग पुराण खंड है, युग पुराण खंड है। और इसी युग पुराण खंड में ठीक है यमन आक्रमण की जानकारी दी गई है। क्लियर। और अब एक किताब आपको और याद रखनी है, मेरुतुंग। ठीक है, तो आप देखें मेरुतुंग, तो मेरुतुंग की कुछ किताबें आपको देखनी है। मेरुतुंग की किताब जो है वो है थेरावली। और ये थेरावली किसकी किताब है, आप कहोगे कि सर ये जैन धर्म की किताब है। और इस किताब में क्या विवरण दिया गया है, तो आप कहोगे कि सर इस किताब में दिया है कि उज्जैन में जिन शुंग शासकों ने शासन किया है उसका विवरण दिया गया है। क्लियर। और अब एक किताब और है, पतंजलि की किताब है महाभास, ये आप जान चुके हैं। इसमें भी यमन आक्रमण की जानकारी दी गई है। क्लियर। और अब आइए हम लोग देखते हैं ठीक है पुरातत्व। तो पुरातत्व में हमको क्या क्या याद रखना है, पुरातत्व में हमको दो चीज़ें याद रखना है। एक याद रखना है अयोध्या का अभिलेख, अयोध्या का अभिलेख। और यह अयोध्या का अभिलेख ये क्या है, शिलालेख है। किसका है, धन देव का है। धन देव कौन है, अयोध्या में पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल है या गवर्नर है, इसी का अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। और अयोध्या अभिलेख में क्या लिखा गया है, पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी दी गई है। आपने जब ये कर लिया तो एक पॉइंट आपके सामने और बचता है और वो है विदिशा अभिलेख, विदिशा या बेस नगर अभिलेख। तो आइए हम लोग देखते हैं विदिशा या बेस नगर अभिलेख। विदिशा या बेस नगर अभिलेख, तो बच्चों हमको देखना है ठीक है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और यह किसका अभिलेख है, आप कहेंगे हेलियोडोरस ने इसको उत्कीर्ण कराया था, हेलियोडोरस ने इसे उत्कीर्ण कराया था। हेलियोडोरस कौन है, एंटियाल किट्स का राजदूत है, ये एंटियाल किट्स का यह राजदूत है ठीक है। अब एंटियाल किट्स कौन है, आप कहेंगे तक्षशिला का यवन शासक है, तक्षशिला का यवन शासक है कौन, एंटियाल किट्स ठीक है ना। तो अब हेलियोडोरस क्या करता है, विदिशा आता है और विदिशा में उसने क्या किया है, कहता है कि मैं विदिशा आया हूँ और गरुड़ ध्वज की स्थापना करता हूँ ठीक है। इसी में उसने कृष्ण के लिए देव देवस शब्द का प्रयोग किया है, देव देवस शब्द का प्रयोग किया है और स्वयं के लिए भागवत शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है, जब हेलियोडोरस बेशनगर आया था तो उस समय शुंग वंश की सत्ता पर कौन
था, मतलब किस कौन शासक के रूप में कार्य करता था, तो आप कहोगे कि भागभद्र था। भागभद्र, और ये भागभद्र शुंग वंश का नौवां शासक है, और इस शासक के 14वें शासनकाल के 14वें वर्ष में कौन आया, तो आप कहोगे कि हेलियोडोरस आता है। ठीक है ना, क्लियर। और आप एक और पोर्शन आता है, और वो है भरहुत लेख। भरहुत स्तूप लेख या भरहुत लेख, तो आइए हम लोग देखते हैं भरहुत लेख क्या है। भरहुत लेख, तो बच्चों हमको एक भरहुत लेख, तो आपको कुछ नहीं करना है, भरहुत स्तूप की जो रेलिंग है, रेलिंग मतलब रक्षा दीवार है, इसी रक्षा दीवार पर क्या लिखा है कि इस रक्षा दीवार का निर्माण शुंगों ने किया है। क्लियर। तो अब हम लोग ये देखते हैं, ये हमने मैटर देख लिया। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल के जो युद्ध हुए हैं वह युद्ध कौन कौन है। ठीक है, शुंग राजवंश तो चल ही रहा है, इसमें हमको देखना है कि पुष्यमित्र शुंग के काल के युद्ध कौन कौन है। ठीक है, वॉर प्रैक्टिसेस कौन कौन हैं। ठीक है ना, तो एक चीज को आपको याद रखना है, शुंग में कौन कौन लोग हैं, तो पहली युद्ध कौन कौन हो रहा है, तो आप एक पॉइंट जो है जरूर याद रखिएगा, और वो है विदर्भ का युद्ध। विदर्भ का युद्ध, और ये विदर्भ का युद्ध किसने लड़ा था, पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने लड़ा था। ठीक है, और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग का के काल में जो उनके आक्रमण होते हैं, किसके आक्रमण हो रहे हैं, तो आप कह दोगे कि सर इनके जो डेमेट्रियस के आक्रमण हो रहे हैं, हिंद यवन के जो आक्रमण होते हैं उनकी जानकारी दी गई है, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं यवन यौनों से युद्ध। अब जो यौनों से युद्ध हुआ था, ये भी हमने आपको बताया था कि इसका आक्रमणकारी संभव है, क्लियर नहीं है, ये डेमेट्रियस था, और डेमेट्रियस ने से किसका युद्ध हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के पोते का युद्ध हुआ था, पोता मतलब बेटे का बेटा, अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र का युद्ध हुआ था, इसमें डेमेट्रियस संभव है हारा है, और हारने के बाद उत्तर पश्चिम को जाने के लिए विवश हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग ये देखते हैं, कोई इसके युद्ध के बारे में बताया नहीं जा सकता, कमजोर सा शासक है। ठीक है, और अब हम लोग एक और पॉइंट को देखेंगे, और वो क्या है, आप कहेंगे बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। तो बच्चों एक चीज़ हमको याद रखना है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वह वर्णवादी व्यक्ति था, और वर्णवाद के अनुसार इसने शासन किया है, लेकिन खुद वर्णवाद का उल्लंघन कर रहा है। कैसे उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है ना, तो जब ब्राह्मण है तो उसे शासन करने का अधिकार किसने दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसने वर्णवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी स्वयं के लाइफ में वह इसका मतलब पालन नहीं करता। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनके जो राजपुरोहित हैं पतंजलि, ये भी एक कट्टर ब्राह्मण हैं, इन्होंने महाभाष्य लिखा था, योगशास्त्र लिखा था, और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सुझाव दिया था कि बौद्ध धर्म का एक महाविहार, बिहार ये कहाँ पर स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है, और इस पाटलिपुत्र में स्थित इसका क्या नाम है, आप कहेंगे कुकटा राम बिहार नाम है, और इनका सुझाव था कि आप कुकटाराम बिहार को नष्ट कर दें, और अपने राजपुरोहित के सुझाव पर वह कुकटाराम बिहार को नष्ट करने के लिए गया था। लेकिन अब ये तो प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ आकाशवाणी हुई थी,
और उसी से पुष्यमित्र शुंग डर गया था और इसे छोड़ करके, ठीक है, मतलब इसको ध्वस्त नहीं कर पाया, और इसको छोड़ने के बाद वो कहाँ चला गया? आप कहेंगे उत्तर पश्चिम चला गया। और उत्तर पश्चिम में कहाँ पहुँच गया? आप कहेंगे साकल गया। और साकल से उसने क्या घोषित किया कि जो हमें एक बौद्ध भिक्षु का सिर देगा हम उसे 100 दिनार देंगे। क्लियर? और अब आप याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता है, अवदान कल्पलता है। और बच्चों एक और किताब है क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता के अतिरिक्त, तिब्बत धर्मगुरु हैं कौन? लामा तारानाथ। और लामा तारानाथ ने अपनी किताब कगयूर और तगयूर में भी किसको? पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना है। लेकिन एक विवाद उत्पन्न होता है। विवाद कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये जो लिटरेचर्स आए, इन लिटरेचर से आप देख रहे हैं कि उसकी जो तस्वीर आ रही है वो बड़ी गंदी तस्वीर आ रही है। लेकिन जब हम पुरातत्व को देखते हैं, जैसे भरहुत स्तूप देखते हैं और एक और चीज देखते हैं, बोधि वृक्ष के चारों ओर जो बोधिमंड बनाया गया था या रेलिंग बनाई गई थी, बोधिमंड अशोक ने बनाया था, इसको हम देखें। अभी बताते हैं आपको, भरहुत स्तूप के बारे में बताते हैं और सांची के बारे में बताते हैं हम। ये देखिए, तो जो भरहुत स्तूप है इसकी रेलिंग पर क्या लिखा है कि शुंगों ने इसे रचा है, मतलब बनवाया है। तो भाई अगर पुष्यमित्र शुंग या शुंग लोग, ठीक है, बौद्ध धर्म के विरोधी होते तो वो भरहुत स्तूप की सुरक्षा के लिए उसकी रेलिंग क्यों बनाते? बोधि वृक्ष के चारों ओर इन्होंने बोधि मंड का पुनर्निर्माण कराया था। तो अशोक ने जो बोधिमंड बनाया, बोधिमंड का मतलब रेलिंग, किसी पेड़ के चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए जो रेलिंग बनाई जाती है वह है बोधिमंड, ठीक है। लेकिन अशोक ने इसे लकड़ी से बनाया था और पुष्यमित्र शुंग ने इसे संगमरमर की पट्टियों से बनाया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप बताओ कि अगर वो बौद्ध धर्म का विरोधी होता तो इसका निर्माण क्यों करता? फिर इसके अतिरिक्त सांची का स्तूप अशोक ने कैसे बनाया था? अशोक ने कैसे बनाया था? तो आप बोलोगे कि अशोक ने तो सर ईंट से बनाया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इसमें क्या लगा दिया? संगमरमर की पट्टियों का प्रयोग किया। तो ये कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है कि जब वो बौद्ध धर्म का विरोधी था तो बौद्ध धर्म के विकास के लिए वो ये कैसे कार्य करता? लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, पुरातत्व के आधार पर वह कौन सा इतिहासकार है जिसने शुंगों को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया है? फिर से ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व के आधार पर वह कौन सा इतिहासकार है जिसने कहा कि शुंग बौद्ध विरोधी थे? आप कहेंगे पंडित G.R. शर्मा, ठीक है। तो G.R. शर्मा सर ने कहा कि कौसाम्बी का जो घोस्ताराम विहार है, यह घोस्ताराम विहार जला करके नष्ट किया गया है और जलाने की यह कार्रवाई और किसी ने नहीं किया अपितु शुंगों ने किया है। क्लियर? अब हमको क्या जानना है, ठीक है, उत्तराधिकारी जानना है। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी जानने के बाद हम लोग जो बातें करेंगे वो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। एक तो आपको याद रखना है कि उत्तराधिकारी में, ठीक है, कि पुष्यमित्र शुंग तो ये है ही है। पुष्यमित्र शुंग का समय क्या होता है? आप कहोगे कि सर 184 BC से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो आप कहोगे कि सर 2 कर लेते हैं, 149 जाता है, ईसा पूर्व जाता है। और दूसरा, इसके बाद इनके बेटे आएंगे, अग्निमित्र आएंगे। अग्निमित्र का टाइम क्या है? 149 से शुरू होता है अग्निमित्र और कहाँ जाता है, थोड़े दिन का समय है इनका, 141, ठीक है, ईसा पूर्व है, ठीक है। अब इसके बाद डॉर्क है, ठीक है, और इस वंश का
जो नवा शासक है वह है भागभद्र, अभी आपको हमने बताया था। और इसी के दरबार में, ठीक है, कौन आया था? हेलियोडोरस आया था। और इस वंश का जो दसवां शासक है वो अंतिम शासक है, और वह अंतिम शासक कौन है? देवभूति है, देवभूति। और देवभूति अपने ही सामंत, अपने ही विश्वसनीय आदमी वासुदेव के द्वारा, या सामंत वासुदेव के द्वारा कत्ल कर दिया गया था। अब आपके सामने जो मैटर जा रहा है वह इम्पोर्टेंट मैटर है, आप उसे लिखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट तो आप याद रखिएगा, सुंग राजवंश में सिक्के, तो सुंग राजवंश में तीन धातुओं में सिक्के जारी किए गए थे, सोने में या स्वर्ण का, चांदी और तांबे का। तो सोने के जो सिक्का है यह दिनार कहा जाता था, दिनार ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये चांदी है, चांदी के सिक्के को पुराण कहा जाता था या धारणी कहा जाता था, धारण कर लीजिए या धारणी कर लीजिए, धारणी। तांबे के सिक्के को करसार्पण कहा जाता था, ठीक है। अब इन सिक्कों के बाद आप जानते जानते हैं कि सुंग वंश की देन क्या है, तो देन तो हमने आपको सब बता दिया है, ठीक है। वैसे मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि शैव और वैष्णव धर्म या संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, रामायण लिखा जाता है, वैष्णव और शैव संप्रदाय आते हैं, और मथुरा कला शैली और गांधार में गांधार कला शैली का विकास होता है, बस। और वो सब तो चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट है, इन्होंने क्या मतलब समाज को क्या दिया, स्त्रियों को क्या दिया, वो सब तो ठीक नहीं है, आप पढ़ भी चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मथुरा कला, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मथुरा कला। तो मथुरा कला इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मथुरा को केंद्र बना कर के जो कला निर्मित की गई उसे मथुरा कला कहा जाता है। और मथुरा कला लाल बलुए पत्थर से बनाई जाती है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर है ये कहाँ से लिया जाता था? आप कहोगे कि सर ये मथुरा के पास रूपवास की खान से लिया जाता था, मतलब रूपवास की खानों से निकले हुए पत्थर से बनी है कौन? मथुरा कला शैली। और मथुरा कला शैली का विषय क्या है? किस विषय में अपनी मूर्तियों का निर्माण करता है? आप कहेंगे सर दोनों लौकिक और पारलौकिक जीवन, ठीक है, दोनों का ही यह क्या करता है? मूर्तिकारी करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बात आपको याद रखना है, मथुरा कला शैली आदर्श की शैली है, अर्थात इसमें यथार्थ नहीं दिखाया जाता, इसमें सौंदर्य को दिखाया जाता है, इसकी वास्तविकता नहीं दिखाई जाती। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, यह एक सौम्य कला है, इसमें नग्नता नहीं है, गांधार कला शैली में नग्नता है। और ये पढ़िए आप, कंकाली टीला। तो कंकाली टीला में जाने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि मथुरा कला में तीन धर्मों की मूर्तियों का निर्माण होता है, वैदिक, बौद्ध और जैन। धर्म की, यहां आपको याद रखना है जैन टीला होना चाहिए, जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं, तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं वह कंकाली टीला से प्राप्त होती हैं। और फिर आपको याद रखना है कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण भी मथुरा कला शैली में हुआ है, ठीक है। हमने आपसे क्या बताया था? यक्ष और यक्षिणियां क्या है, कल बताया था ना, ठीक है। लोक देवता और लोक देवी की मूर्तियों का निर्माण भी करती है कौन कला? मथुरा कला। और अब हम देखते हैं गांधार कला शैली। तो हम लोग देखते हैं गांधार कला शैली, तो ये गांधार इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गांधार में विकसित हुई है, इसलिए इसे गांधार कला कहा जाता है। इसे हिंद यवन कला भी कहा जाता है। क्यों हिंद यवन कला कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हिंदुस्तानियों का हाथ लगा है,
और यवनों का दिमाग लगा है। दिमाग किसका है? यवन का है। और हाथ किसका है? हिंद का है। इस प्रकार से इसमें हिंदुस्तान और यूनान दोनों कलाओं का मिलन है और यह काले पत्थरों पर बनती है, काले या स्लेटी पत्थरों पर बनती है, काले या स्लेटी पत्थरों पर निर्मित होती है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, इसे यथार्थ की कला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें किस सौंदर्य देने की कोशिश नहीं की गई। मथुरा कला में क्या था कि कुरूप को भी सुंदर बनाया गया, लेकिन इसमें क्या है, यथार्थ कला का प्रदर्शन करके और मूर्तियों को नग्न बना दिया गया। ठीक है, इसमें बुद्ध को झीने झीने कपड़े में दिखाया गया है। ठीक है, इसका मतलब कपड़ा पहनाने के बावजूद भी बुद्ध नग्न होते हुए दिखते हैं। क्लियर? और आप याद रखिएगा, जो गांधार कला है इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ खड़ी भी हैं, बैठी भी बनी हुई हैं और लेटी भी बनी हुई हैं। और गांधार कला में मूर्तियाँ केवल बुद्ध की बनती थीं, अपवाद इसका है अपोलो और हारित की मूर्तियाँ, अपोलो और हारित की मूर्तियाँ। ठीक है, यह अपवाद हैं, मतलब इसमें इस कला में बुद्ध की जो मूर्तियां ही बनाई जाती थीं, लेकिन कुछ तो अपवाद आ गया। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि गांधार कला में किसकी मूर्ति सर्वाधिक बनी है? आप कहेंगे सर बोधिसत्व मैत्रेय की बनी है, मैत्रेयी की मूर्तियां सर्वाधिक बनी हैं। क्लियर? और अब बच्चों हमें एक चीज और याद रखना होगा, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, मैटर मेरे माइंड से निकल गया था, उसे आप कर लीजिएगा मथुरा कला शैली में जा करके, कि मथुरा में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं उसके मस्तिष्क के चारों ओर हैलो या आभा बनाया गया है। ठीक है ना, चारों तरफ आभा बनाया गया है। क्लियर? और अब हम देखते हैं सांची स्तूप, सांची स्तूप। तो अभी हमने बताया था कि सांची स्तूप का निर्माता तो अशोक था, लेकिन इसमें संगमरमर की पट्टियों को जोड़ा किसने है? आप कहेंगे पुष्यमित्र सुंग ने जोड़ा है। सांची कहाँ है? आप कहेंगे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और आज यह यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि यह लगभग 126 मीटर इसका व्यास है। इसका व्यास कितना है? 126 मीटर इसका व्यास है। और ऊंचाई आप कल्पना कर सकते हैं कितना ऊंचा होगा, ये 54 मीटर ऊंचा है। और यह सांची में तीन स्तूप बने हैं, एक को कहा जाता है महास्तूप, दूसरे और ये तीसरा स्तूप, मतलब दूसरा और तीसरा स्तूप। तो जो महास्तूप है इसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हैं। और जो दो अन्य हैं इसमें क्या है, तो आप कह दोगे कि सर इन दोनों में एक खास बात है, और वो क्या है? आप कहोगे कि सर दूसरे में है सारिपुत्र और मौदग्लायन के अस्थि अवशेष, मौदग्लायन के अस्थि अवशेष हैं। और जो तीसरा है वह क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें अशोक कालीन जो धर्म प्रचारक हैं उनका विवरण दिया गया है, मतलब विवरण नहीं दिया गया है, उनके अवशेष इसी के अंदर दफन किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने एक बड़ा टॉपिक, ठीक है, ये ख़त्म कर दिया है, पूरा सुंग मैटर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको नोट डाल करके लिख लेना है, और वह क्या लिखना है? आप कहेंगे कि सुंगों के काल में ही कृष्ण के अनेक रूपों की उपासना की गई है। और मथुरा के पास एक तोसा मोरा नामक स्थान है, मोरा नामक स्थान है, जहाँ पर तोसा नाम की एक यवन स्त्री, ठीक है, अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराती है, और वो कहती है कि मैं पंचवृषड़ी वीरों की उपासना करती हूँ। आपको यह चीज़ खोजना है, पीछे के लेक्चर से खोजना है कि
कि पंच बिछड़ी वीर किसे कहा जाता है। ठीक है, कल हम लोग आगे का क्लास लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो भी क्लासेस चल रहे हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।